कर्पूर को भुजगेंद्र इसलिए सत्संग की महिमा तब होता है जब हमें वहां सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है, जब हमें वहां सच्चा आदर मिलता है। और सत्संग में आप सबों को सामने बैठे भक्त जनों को आदर देने वाले हमारे आचार्य होते हैं, हमारे पंडित होते हैं। उनके द्वारा उनके मुख से निकली हुई वाणी भगवान यह विष्णु और गौरी अगर हम कहते हैं, अर्थात शिव के साथ गौरी मौजूद है, लेकिन विष्णु के साथ में गौरी की तुलना इसलिए कह रही हूँ क्योंकि विष्णु पालनहार है और भगवान शिव जो है विनाश करता है, लेकिन उनकी शक्तियाँ गौरी में विद्यमान है। और वही गौरी 51 खंडों में होकर के माता दुर्गा का स्वरूप लेकर के धरती पे पूजायमान होती है। इसलिए नर नारायण शिव गौरी के साथ में विष्णु लक्ष्मी के साथ में हमारे मंदिर के आचार्य, हमारे मंदिर के पुरोहित, हमारे मंदिर के पंडित जो होते हैं वो साक्षात स्वरूप में विद्यमान होते हैं। इन संस्कारों को मैं इसलिए पाती हूँ क्योंकि मैंने अपने पिताजी से, मैंने अपने बड़े बुजुर्गों से, मैंने अपने गुरुओं से यह आदर सीखा है। और कोशिश करती हूँ जो सद्भावना, जो आदर, जो संस्कार मुझे मिलता है मैं औरों को दे पाऊँ। और एक बात ये कहूंगी, अगर हम किन्हीं भी बातों को सुनते हैं तो उनकी नकारात्मकता को छोड़ के उनकी सकारात्मकता को अपने अंदर धारण करें। हमारी आत्मा तभी शुद्ध हो जाती है क्योंकि गुरु के निकली हुई वाणी और मंदिर प्रांगण एक आचार्य एक पंडित के मुख से निकली हुई वाणी श्रीमुख की वाणी कही जाती है। इसका आदर तो भगवान विष्णु ने साक्षात दे दिया है। इसलिए आज इस मंदिर प्रांगण में पहुंच के नवरात्रि के शुभ अवसर पर बस एक छोटा सा उपहार अपने मंदिर के पंडितानी जी के लिए मैं लेकर के आई हूँ। आप सभी प्रेम से स्वीकार करेंगे उनका आशीर्वाद, क्योंकि पंडित और पंडितानी कोई छोटे मोटे रहस्य नहीं है, बहुत बड़ा रहस्य है, ये बहुत बड़ा समंदर है, इसको समझना मुश्किल है। जो ज्ञान हम और आप नहीं दे पाएंगे उनके मुंह से मिलेगा। हम और आप ज्ञान नहीं भी दे लेंगे, हमारे ज्ञान की महत्ता नहीं है, लेकिन अगर मंदिर के आचार्य और आचार्य नहीं और पुजारी और पुजारी के ज्ञान से अगर जो ज्ञान हमें मिलता है उस ज्ञान की बहुत बड़ी महत्ता होती है। इसलिए अपने तरफ से पंडितानी जी आप पेपर आएंगी, मैं छोटा सा नवरात्रि माता शक्ति का दिन है बस अपनी तरफ से छोटा सा उपहार, क्योंकि मेरी माँ को भी मिलता है, मुझे ये संस्कार मिला है, इसलिए मैं चाहती हूँ छोटा सा सम्मान माता शक्ति माता के रूप में मंदिर की पंडितानी जी के रूप में मैं करना चाहती हूँ। कृपया प्लीज आप मेरे साथ आए और हम बच्चों को अपना आशीर्वाद दें कि हम आगे बहुत कुछ कर रहे हैं। हेलो, बस यही कहूंगी शक्ति दीदी पंडितानी जी आप दोनों का आशीर्वाद साथ में, आप सभी शक्तियों का आशीर्वाद मुझे मिलता रहे। इस मंदिर प्रांगण में हम सभी का स्नेह एक दूसरे के साथ बना रहे।